गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्री श्याम डीजी महिला महाविद्यालय भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमए फाइनल की, और जो टॉपिक की हम बात कर रहे थे इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे इंसुलेशन से संबंधित, और उसके बाद में हमने देखा था टेम्परेचर के अंतर्गत तापमान के बारे में देखा था, तापमान की शब्दावली के बारे में देखा था। वो आज हम देखेंगे तापमान से संबंधित। देखिए, लास्टली हमने तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में देखा था, इसमें हमने देखा था सबसे पहले बात की हमने छांव से, दूसरी बात की हमने समुद्र तल से, तीसरी बात की हमने सागर से दूरी, और चौथी बात की हमने स्थल व जल का स्वभाव। यहाँ तक हमने अध्ययन किया था इनका। आगे जो कारण है वो है प्रचलित पवन किस प्रकार से प्रभावित करती है तापमान को। देखिए, प्रचलित पवन में सदा पवन, वाहिनी पवन, मोहनले पवन, ग्राह्य पवन, सभी एक ही प्रकार के पवन होते हैं। ये जो पवन चलती हैं, इस प्रकार से विश्व में, पूरे विश्व की बात करेंगे, ये जो पवन चल रही हैं, ये पवन वर्ष भर चलती हैं, और वर्ष भर चलने के कारण इनको प्रचलित पवन भी कहते हैं, इनको ग्राह्य पवन भी कहते हैं, इनको सदा वाहिनी पवन भी कहते हैं। इन पवनों के द्वारा क्या होता है, जैसे हमने बात की थी उष्मा के स्थानांतरण, उस समय हमने देखा था जो संचालन संबंध, ये जो इनमें अधिकांश से उष्मा कहां प्राप्त हो रही थी, गर्म से ठंडे प्रदेश से, लेकिन कई बार ये जो पवने होती हैं, ये पवने ठंडी होती है तो गर्म प्रदेशों की हो जाती है, तो वहां का तापमान क्या कर देती है, समान कर देती है। जो ताप जनित ऊष्मा होती है उसका ट्रांसफर जब ठंडे से गर्म क्षेत्र की ओर होता है तो वो क्या कर देती है, उस क्षेत्र को सामान्य ताप में परिवर्तित कर देती है। अधिकांश तक हमने देखा है कि गर्म से ठंडे की ओर ऊष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण। मान लीजिए कि कोई पवन ठंडी पवन है, वो गर्म प्रदेश में जाएगी, उस क्षेत्र को क्या कर देगी, सामान्य कर देगी। कोई गर्म ठंडे प्रदेश में जा रही है तो वहाँ के एनवायरनमेंट को क्या कर देगी, धीरे धीरे सामान्य रूप में परिवर्तित कर देगी। तो देखिए इससे क्या हो रहा है, जो प्रचलित पवनों की बात की हमने, इससे तापमान में परिवर्तन आ रहा है, और इसी आधार के कारण क्या कह सकते हैं हम कि ये तापमान को प्रभावित कर, बिल्कुल सही बात। एक दूसरा कारण हम देखेंगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय जो धाराएं होती हैं, महासागरों में जो जल का प्रवाह होता है तेज गति से होता है, निश्चित दिशा में होता है, निश्चित गति के रूप में होता है, तो वो एक धारा का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जब ये धाराएं क्या होती हैं, गर्म धाराएं होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ठंडी धाराएं। अब गर्म धाराएं जिस क्षेत्र में जाएगी वहां का तापमान क्या कर देती है, बढ़ा देती है प्लस, और ठंडी धाराएं जैसे जाएगी जिस क्षेत्र में जाएगी तो वहां का तापमान क्या कर देगी, माइनस में, मतलब तापमान क्या कर देगी, वहां का कम कर देगी। तो ये जल का जो स्वभाव है, जैसे ठंडा और गर्म, तो ये स्वभाव के कारण जो महासागरीय धाराएं चलती हैं वो धाराएं क्या हैं, ठंडी और गर्म धाराएं होती हैं, स्वभाव जैसा होगा
डाल रहा था तो आप बता रहा कम करेंगे। इसके अलावा मेघ तथा वर्षा भी तापमान को क्या करता है, प्रभावित करता है। वर्षा वाले क्षेत्र में हमने देखा है कि वहां का तापमान क्या रहता है, सामान्य सा रहता है या सामान्य से भी कम रहता है, क्योंकि वहां पर जल वर्षा के रूप में जो जल आता है तो वहां का एनवायरमेंट पूरा चेंज कर देता है, तो ये तापमान को प्रभावित कर रहा है। मेघ की बात करेंगे तो बादल जब छाए रहते हैं तो सूर्य की किरणें जो है, सूर्य सब की बात करेंगे, उससे जो ऊष्मा की बात की जाती है तापमान की, तो उस पर प्रभाव ज्यादा स्पष्ट होता है। ये हमने देखा था लास्टली कक्षा में, बादल का क्या प्रभाव सूर्य पर या तापमान पर बना रहता है। तो ये कुछ कारण थे तापमान को प्रभावित करने वाले, जिनका हमने अध्ययन किया। अब देखिए तापमान से संबंधित उसके वितरण की बात करें, वितरण में क्या परिवर्तन दिखाई देता है, क्षेत्रीय वितरण भी होता है, ऊर्ध्वाधर वितरण भी होता है। तो उस वितरण से संबंधित हम देखेंगे, एक टॉपिक आता है हमारा तापमान का वितरण। तापमान का वितरण एक को देखेंगे हम, इस आधार पर, और दूसरा देखेंगे हम इस आधार। इस आधार का मतलब क्या है, धरातल से कहां जा रहे हैं, वायुमंडल में जा रहे हैं, और इसके अंतर्गत ए प्रदेश से कहां जा रहे हैं, बी प्रदेश की ओर जा रहे हैं। एक को वितरण ये हो गया और एक वितरण ये हो गया। इस वितरण को हम क्या कहते हैं, ये लंबवत है, क्या कहेंगे, लंबवत है वितरण, ठीक है। ये क्या, ये क्षैतिज है, इसको क्षैतिज कहा जाता है, या हम कह सकते हैं इस लंबवत वितरण का एक नाम और है ऊर्ध्वाधर, ये भी कह सकते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकल, क्या बोलते हैं, वर्टिकल, और इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल। तो देखिए ये तापमान ही नहीं बल्कि हम किसी भी जगह वितरण की बात करते हैं, तो वहां पर अगर क्षैतिज है तो क्षैतिज की बात करेंगे, या हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, या वहां पर वर्टिकल है तो वर्टिकल की बात करेंगे। दोनों में जो अंतर है वो आज हमने यहाँ पर स्पष्ट कर लिया, हॉरिजॉन्टल में क्या अंतर होता है, वर्टिकल में क्या अंतर होता है। तो हम सबसे पहले इसी वितरण की बात करेंगे कि तापमान का जो लंबवत वितरण है वो लंबवत वितरण में क्या परिवर्तन दिखाई देता है, क्या तापमान बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, क्या तापमान बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, ये चीज हम देखेंगे तापमान के लंबवत वितरण। तापमान का लंबवत अब देखिए तापमान के लंबवत वितरण के अंतर्गत ये कंसेप्ट आती है सबसे पहले, वो कंसेप्ट क्या है वो समझिए। पहली कंसेप्ट है इसमें सामान्य ताप ह्रास दर, या इसको हम क्या बोलते हैं, पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट, ये कहा जाता है। सामान्य ताप ह्रास दर क्या होती है, तो देखिए धरातल है, धरातल से ऊपर की ओर जा रहे हैं, कहां पर, वायुमंडल में जा रहे हैं, धरातल से ऊपर वायुमंडल में जा रहे हैं, तो वायुमंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे ऊंचाई के साथ जाने पर उस रूप से तापमान में
क्या आती है, गिरावट आती है, क्या आती है, गिरावट आती है, जिसको हम क्या संबोधित करते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर है। क्या कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर। किसे कहते हैं, नॉर्मल डेथ रेट। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर औसत रूप से तापमान में जो गिरावट आती है उस गिरावट को सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। अब देखिए वो दर क्या होती है, हमने यहां दर की बात की है, एक फिक्स रेट मापी गई है, उस रूप से हमने देखा है कि लगभग ऐसा देखा जाता है, लेकिन कई बार फ्लक्चुएट भी हो जाता है, कम ज्यादा भी हो जाता है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन सामान्य रूप से ये देखा गया है कि वो दर कितनी है, इसलिए हमने सामान्य ताप ह्रास दर के। तो देखिए सामान्य ताप ह्रास दर के अंतर्गत धरातल से आप 1000 मीटर ऊपर की ओर जाओ, यहां तो कई बार देखा होगा 165 मीटर ऊपर जाने पर -1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, लेकिन हम यहां पर क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, 1000 मीटर ऊपर जाने पर जो तापमान कम होता है वो कितना होता है, -6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। तो ये तो हो गई मीटर की सप्ताह। अब कई बार हमारे सामने मीटर की जगह क्या जाता है, फिट आ जाता है, मीटर की जगह क्या जाता है, फिट। तो 1000 फीट ऊपर जाने पर जैसे मीटर से फिट में परिवर्तित तो होगा, वैसे ही सेल्सियस से किसमें आ जाएगा, फारेनहाइट में। कितने डिग्री फारेनहाइट कम हो जाता है, 3.6 डिग्री फारेनहाइट तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये एक सामान्य ताप ह्रास दर है। सामान्य रूप से हम ये देखेंगे 1000 मीटर ऊपर जाने पर -6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, या 1000 फीट ऊपर जाने पर -3.6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। अब मेनली क्वेश्चन क्या रहता है, मेनली क्वेश्चन ये रहता है कि ऊपर जाने पर तापमान में जो गिरावट आई है वो गिरावट है क्यों आती है, ये क्यों वाला क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों आती है तापमान में गिरावट नीचे से ऊपर की ओर जाने। तो देखिए क्यों आती है, धरातल की बात करते हैं, सौर विकिरण आती है, सौर विकिरण, और धरातल के बिल्कुल जो नजदीकी क्षेत्र होता है ये क्षेत्र क्या हो जाता है, यहां से फिर पार्थिव विकिरण भी जाती है, यहीं से होती है पार्थिव विकिरण धरातल पर। ये कौन सी है, पार्थिव। अब देखिए यहां बिल्कुल धरातल का नजदीक का क्षेत्र है, ये क्या होगा, यहां से सौर विकिरण यहीं तक आ रही है और यहीं से वापस पार्थिव विकिरण जा रही है, तो यहां सबसे ज्यादा प्रभाव विकिरणों का स्पष्ट होता है। तो यहां पर क्या होगा, तापमान अधिक होगा, ठीक है, यहां पर तापमान क्या होगा, अधिक होगा। जैसे ही ऊपर क्षेत्र की ओर जाएंगे तो यहां से ये गर्म क्षेत्र है और गर्म से ठंडे की ओर उष्मा का स्थानांतरण होगा, तो यहां पर मान लीजिए 100% तापमान है या उष्मा है, तो ये कितना ट्रांसफर करेगी, यहां से ये गर्म देखिए ऊपरी क्षेत्र में, यहां पर इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ये 50% उष्मा यहां पर ट्रांसफर करेगी। जब इसके पास में 50 है तो ये ऊपर वाले क्षेत्र को कितना देगी, ये ऊपर वाले क्षेत्र को 25% उष्मा ट्रांसफर कर देगी, और फिर ये ऊपर वाले क्षेत्र को कितना ट्रांसफर कर देगी, 12.5% ट्रांसफर कर देगी। अब देखिए अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास में 100 रुपए होते हैं और आप 100 रुपए ही दे दोगे किसी को, अगर आप किसी को जरूरत है तो आपको भी तो जरूरत होगी ना किसी न किसी चीज के लिए,
देखिए एक उदाहरण स्वरूप आपको समझाया है, इसमें क्या होता है कि 100% नीचे माल पर चल रहे हैं, जैसे उसमें ट्रांसफर होगी कितनी होगी 50, फिर 25, फिर 12.5, ऐसे देखिए आपको सीक्वेंस में क्या नजर आ रहा है, 100, 50, 25, 12.5, मतलब ऊपर की ओर जाने पर उष्मा का स्थानांतरण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम उष्मा स्पष्ट हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर उष्मा क्या है कम हो रही है, मतलब उष्मा में क्या आ रहा है, उष्मा के वाला गिरावट आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तापमान क्या चल जाता है, कम होता हुआ चला जाता है, यही हमारा क्वेश्चन था, क्यों कम होता हुआ चला जाता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लिया है। अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ, कई बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉम्पिटिशन की दृष्टि से भी कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन डाला जाता है मैथमेटिकल रूप से, वो देख लीजिए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो बाहर की चल रही है समाज और आंदोलन की, उसमें क्या होता है क्वेश्चन मिलेगा आपको इस प्रकार से, किसी ए प्रदेश का धरातल का तापमान 20°C है, तो 2 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडल में तापमान कितना होगा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप यहां हो, ये आपका समुद्र तल है, ठीक है, पर यहां पर तापमान कितना है 20°C, यहां से ये वायुमंडल में ये 2 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। अब ये पूछ रहा है कि यहां पर कितना तापमान है होगा, इसके कहने का अर्थ क्या है कि समुद्र तल पर तो तापमान 20°C है, और धरातल से ऊपर की ओर 2 किलोमीटर ऊपर की ओर जाओगे आप वायुमंडल में 2 किलोमीटर पर तापमान कितना होगा, यहाँ तापमान हो जाए तो आप कैसे करोगे मैथमेटिकल रूप में, आपको पता है 1000 मीटर ऊपर जाने पर -6.5°C तापमान कम होता है, तो 2000 मीटर ऊपर जाने पर -13°C तापमान कम हो जाए, एक सामान्य आंकलन है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये होता है, ठीक है, चाहे 1 किलोमीटर कह सकते हो चाहे 1000 मीटर, तो ये 1 किलोमीटर होगा, ये हो गया आपका 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऊपर जाने का तापमान कितना कम हो जाएगा 13°C, तो 20 चौथाई आप 2 किलोमीटर ऊपर गए -13 करो कितना आ जाएगा 7°C तापमान आ जाए। इस प्रकार से आपको ऑप्शन में क्या मिले, ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन में मिल गया आपको 25°C, बी ऑप्शन में देगा आपको 33°C, सी ऑप्शन में देगा आपको 8°C, डी ऑप्शन में देगा आपको 7°C, ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं कई बार इस प्रकार से। तो हम क्या कर देते हैं जल्दबाजी में, इस क्वेश्चन का आंसर पता होता है लेकिन गलत कर देते हैं, हम क्या कर सकते हैं 13 यहां तक निकाल लिया हमने, हम क्या करेंगे 20 प्लस 13 33, ओ बी आंसर है यार, ये कह रहे ये करते हैं हम आगे नहीं जाते हैं, आगे वाला ऑप्शन क्या है, हम 20 तक ही सीमित रह जाते हैं और यही क्या हो जाते हैं और रॉन्ग हो जाते हैं, तो बी ऑप्शन क्या है गलत है, क्या करना है हमें माइनस करना है ऊपर की ओर जाने पर, हाँ अगर यहाँ पर वो ये दे दे कि
यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है, वायुमंडल में 2 किलोमीटर ऊपर के क्षेत्र में 20 डिग्री सेल्सियस है, तो धरातल के क्षेत्र पर कितना तापमान होगा या पृथ्वी या समुद्र तल का कितना होगा? तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा तापमान, क्योंकि धरातल से ऊपर की ओर जाओगे तापमान कम होगा, लेकिन ऊपर से नीचे के क्रम में आएंगे तो तापमान क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा? 13। तब आपका ऑप्शन क्या रहेगा? बी सही रहेगा, अन्यथा आपका बी सही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी स्कूटर पर हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।